दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएम अपो न्यूज। आज एक कलाकार हर रोज हम आपको रूबरू करवा रहे थे और एक बार फिर हम उसी कड़ी के अंदर हमारे साथ में आज जो मेहमान है कलाकार शक्ति है गायकार क्लासिकल गायकार आकाश। नमस्कार। नमस्कार सर। सभी हमारे दर्शकों को नमस्कार। तो आज हमारे साथ में एक मुलाकात हर रोज नए कलाकार के साथ फिर से एक कलाकार की जो महफिल है उसके अंदर हम प्रस्तुत हुए हैं और आज हम आकाश से सुनेंगे कुछ क्लासिकल गाने और इनसे बातचीत करेंगे इनके जीवन से संबंधित। पहले तो आकाश जी पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आकाश है। मेरे पापा और अच्छा चलाते हैं और मंडल पट्टा पर काम करते हैं। आर्थिक पूरी बहुत कम है मेरा कोई सपोर्ट नहीं है आर्थिक तंगी करके कोई साथ नहीं दे रहा हमको। हैंडीकैप भी है। हाँ जी। एक हाथ से बचपन से ही तो ये गायकी का जो शौक है ये कैसे सर? ये शौक मैंने घर से सीखा। घर से प्रेरणा मिली है मेरे बाबू माँ के मोहनलाल जी रोटी हैं भाई है तो परिवार में रहा है संगीत गाते रहे। हाँ गाते रहे तो परंपरा रही है। मेरे बाबू मोहनलाल जी मास्टर अपना मेरे बाबू जी पर परंपरा रही है संगीत। तो ये शौक आप करियर भी बना रहे हैं शौक में? हाँ जी बिल्कुल। तो ये आकाश हैं हमारे साथ क्लासिकल गाते हैं। पहले हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा सुना दीजिए कि उनको पता चल जाए कि किसी कलाकार से आज रूबरू हो। तालीम की बात करें तो आकाश भाई तालीम कहाँ से ले? मैं तालीम सर जितने पचास से ले रहा हूँ। मेरे उन्होंने मेरे को बहुत कुछ दिया है। संगीत महाविद्यालय? हाँ जी सरस्वती संगीत सरस्वती संगीत महाविद्यालय हिसार से जो जितेंद्र बाजार। हाँ जी वो मेरे गुरु जी हमको मानता हूँ मैं। मुझे बहुत प्रेरणा मिल रही है। तो लगातार प्रैक्टिस वहीं कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल घर पर करता हूँ। सर बुला लेते हैं सर काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे भी अमर भाई हैं सोनू भाई लंकेश हैं अजय हैं विशाल भाई है पुलिस कोर्ट में लगे हुए हैं। विशाल भाई है सोनू भाई है सोनू लंकेश अभी भी आने वाले हैं। तो आपको सपोर्ट पूरा मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल भैया से भाई से। अच्छा तो अब आप जो जो कंपटीशन अभी फिलहाल जो टैलेंट होने वाला है अक्टूबर के अंदर सभी ग्राउंड है वहाँ पे तो जाना है। वो पता नहीं कहाँ पे एजेंट या रोहत तक यहाँ होने वाला है। तो इशार में आपका क्या रहा? यहाँ मैं सेकेंड ग्राउंड सेकेंड आया हूँ सर। कौन कौन हस्ती हैं यहाँ पे पहुँची थी जब आपने इस कंपटीशन में भाग लिया? सोनाली फोकार जी आए थे तो यही आए थे मतलब जो आगे रेमो डिसीजन जी हैं जितने बाद जो सारा वहाँ के मेंटर हैं अपने रेमो डिसीजन जो बॉडी वोड सेलिब्रिटी हैं उनका नाम भी बहुत है। उनका नाम मैंने भी जुड़े थे मैं यहाँ पर पहचान अलग है।
तो मेन जो गायकी है आपकी, क्लासिकल में ही गाते हैं या और भी गा लेते हैं? क्या क्या गा लेते हैं? वेस्टर्न, क्लासिकल, वेस्टर्न में, हरियाणवी में कुछ सुना दीजिए हमारे पास। गाना ज्यादा आता है, हारमोनियम कुछ बजा रहे, कुछ बजा रहे, अपना काम चला ले, या मान लो कोई और बजाते हैं साथ में तब का। मैं अपने रियाज ना कर लेता हूँ, कितना घंटे रियाज करते हैं? चार बजे तो उठते ही फिर रियाज शुरू हो जाता है। तो वेस्टर्न आपने सुनाया, हरियाणवी आपने सुनाया, क्लासिकल सोनिया कल्याण रोना पै जाए
हर रोज एक मुलाकात नए कलाकार के साथ कार्यक्रम में आज हमारे साथ में जो साथी कलाकार हैं वो खास जी हैं और जिनसे हमने बहुत सारी गायकी के ऊपर बातचीत की। उन्होंने बहुत सारे गाने क्लासिकल है, हरियाणवी है, पंजाबी है और वेस्टर्न है, वो सारे सुनाए। और कला एक अपनी ही है जो जिसके वो धनी हैं आकाश। और इसी तरह से हम आपको हर रोज़ किसी न किसी कलाकार से मुलाकात करवाते रहते हैं और रूबरू करवाते हैं।